शुक्रिया इस बारे तफसील दे रहे थे। सदर ममलुक तारिक अलवी ने सिविल अवार्ड देने की मंजूरी दे दी है। मुख्तलिफ शोबों में खिदमात पर 696 अफराद को अवार्ड दिए जाएंगे। सिविल अवार्ड देने की तकरीब 23 मार्च 2024 को होगी। कोरोना में शहीद होने वाले 299 हेल्थ वर्कर्स को तमगा इम्तियाज किया जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने यौम आजादी पर मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात को सिविल अवार्ड देने की मंजूरी दे दी। 696 शख्सियात के लिए सिविल अवार्ड का ऐलान किया गया। अवार्ड बेहतरीन कारकर्दगी, पाकिस्तान के लिए खिदमात और शुजात व बहादुरी पर दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में IT के शोबे में गिरां कदर खिदमात सरंजाम देने वाले फहद हारून को सितारा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। उन्होंने डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समेत हर शोबे में गिरां कदर खिदमात सरंजाम। उन्होंने कौमी और बैनुल अक्वामी मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इनकलाबी किरदार अदा करते हुए IT के शोबे में गैर मामूली कामयाबियां समेटी। डिजिटल मीडिया को परवान चढ़ाने में पेश रहे और पाकिस्तान को इस शोबे में अहम मकाम दिलाया। फहद हारून की वालदा फरीहा रजाक सहाफी और साबिक रुकन पार्लियामेंट हैं। सैयद कायम अली शाह राजद अफ्रुल्हा को निशान इम्तियाज दिया जाएगा। मुश्ताक सुखेरा को हिलाल शुजात दिया जाएगा। तारिक फातमी, तारिक बाजवा, मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम को हिलाल इम्तियाज दिया जाएगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान, बिलाल लाशारी, सलीम बुखारी को सितारा इम्तियाज दिया जाएगा। सुहेल बड़ाइफ, सलमान गनी, शाजिया मंजूर, हसन अस्करी, अदनान सिद्दीकी को सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया जाएगा।